दोस्तों, कई दिन बाद आज हम वीडियो लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग को ऑनलाइन FIR करना है। कोई सामान खो जाता है, चाहे कोई भी सामान हो, चाहे बाइक, चाहे मोबाइल, चाहे आपका बैंक पासबुक, ATM कार्ड, एनी टाइप्स कोई भी चीज़ हो वो खो जाता है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे FIR करेंगे, क्योंकि आपको दोबारा से वो चीज़ लेने के लिए FIR की कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको थाने जाना पड़ता है। तो अब ये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, तो आप लोग को ऑनलाइन कैसे करना है A to Z स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिट तक सारी चीज़ें आप लोग को पूरा एकदम A to Z क्लियर कर देंगे। तो यही इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल मोमेंट में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं सारी जानकारी आप लोगों को। फ्रेंड्स, आप लोग को ऑनलाइन FIR दर्ज करने के लिए, चाहे वो सामान खोया हो, चाहे किसी के गुमशुदा वगैरह, बाइक चोरी वगैरह, बैंक पासबुक, सभी A to Z जिस प्रकार का भी FIR करना है, सबसे पहले आप लोग को इस वेबसाइट को सर्च करना है। देखिए, गूगल में आप टेक्निकल मोह सर्च करिएगा। देखिए यहाँ पे टेक्निकल मोह ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक आ जाएगा वेबसाइट, देखिए www.technicalmoh.com करके आ जाएगा। आपको इस पर सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आएगा पॉपअप बन के, तो इसको आपको अलाउ कर लेना है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन FIR कैसे करें, ऑनलाइन FIR UP, ऑनलाइन FIR कैसे करें। अगर ये यहाँ पे पोस्ट नहीं आपको मिलता, सिंपल से यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करिएगा ऑनलाइन FIR, ठीक है। बस इतना आप सर्च करेंगे ऑनलाइन FIR, यहाँ पर आ जाएगा वो पोस्ट जहाँ पे भी होगा। देखिए ये यहाँ पे पोस्ट आ चुका है, ये ऑनलाइन FIR कैसे करें। सिंपल से यहाँ रीड मोर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा स्टेप आपको बताया गया है कैसे आप लोग को ऑनलाइन FIR करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। आप मोबाइल ऐप पे जो इसका ऑफिशियल मोबाइल ऐप है UP Coop जो करके है, तो इस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट इन UP, तो सिंपल सा कोई भी आपका सामान खोया वगैरह है, तो सिंपल सा इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो देखिए ये एक स्टेप मतलब इस तरीके से आएगा आपके मोबाइल में, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन में अगर खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग यूजर हैं, आप पहले FIR किए हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिए हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर अपन अब पहली बार FIR करने जा रहे हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है न्यू यूजर पे। देखिए हम जैसे इस पर क्लिक किए, यहाँ पे देखिए न्यू यूजर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यू यूजर रजिस्टर, यहाँ पे देखिए यूजर नेम, आपको यहाँ पे अपना नाम फिलअप करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे हम डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, जो भी ईमेल आईडी हो वो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको रजिस्टर पे सिंपल सा आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए रजिस्टर लॉस रिपोर्ट, यहाँ पे व्यू रजिस्टर रिपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई क्वेरी वगैरह हो, सजेशन वगैरह, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये जो ईमेल दिया गया है इस पर या फ़ोन नंबर पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए सिंपल सा रजिस्टर लॉस रिपोर्ट पे आपको सिंपल सा क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कंप्लेंट नेम, जब आप रजिस्ट्रेशन के समय जो नाम यहाँ पे दिए होंगे वो यहाँ पे नाम शो होगा। इस नाम को अगर आप चेंज करके किसी और के नाम से अपना FIR दर्ज करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो नाम यहाँ पे अपना दर्ज कर देंगे। तो अभी फिलहाल हम इसको चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे, सन ऑफ हैं कि डॉटर ऑफ हैं, तो इसमें क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पापा का नाम अपने फिलअप करना, मतलब पिता का नाम, फादर नेम, अगर कोई लड़की है तो अपने मतलब फीमेल है तो वो अपने हस्बैंड या मतलब पति का नाम या अपने फादर नेम मतलब पिता का नाम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे सन ऑफ यहाँ पे डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्लेंट एड्रेस, आपको यहाँ पे अपना पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है।
देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर लिया है, उसको देखिए यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पिन फिलअप रहेगा जो रजिस्ट्रेशन के समय आप दिए होंगे। अगर आपको इसे चेंज करना है तो इसे अभी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सिंपल सा इस पर क्लिक करिए, जो भी आपका हो वहाँ पर वो यहाँ पर अपना फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। उसका देखिए यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है जैसे गणेश नगर लखनऊ, तो जहाँ पे आपका सामान खोया है वहाँ का आप यहाँ पे एड्रेस मतलब स्थान यहाँ पे फिलअप करेंगे प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए हम चिन्हट लखनऊ फिलअप कर लिए। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, वो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे भी आपका खोया हो उसका। देखिए यहाँ पे पुलिस स्टेशन, आप किस पुलिस स्टेशन में अपना FIR दर्ज कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम चिन्हट में कराना चाहते हैं, सिंपल हम यहाँ चिन्हट यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसका देखिए यहाँ पे फ्रॉम डेट फ्रॉम टाइम और यहाँ पे टू डेट टू टाइम, इसका मतलब ये है कि आपका किस डेट को मतलब ये जो आपका सामान चाहे कोई भी चीज़ खोया है वो कब खोया है, किस तारीख को खोया है और क्या समय था। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए जब आपका मान लीजिए 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपका कोई सामान खो गया है, ठीक है, तो यहाँ 25 तारीख यहाँ पे 23 यहाँ पे फिलअप करेंगे डेट, उसके बाद यहाँ पे टाइम क्या था सुबह का मॉर्निंग का वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे और 25 तारीख के बीच में यहाँ आप अपडेट 25 लिखेंगे। जैसे मेरा देखिए खोया जो है ये 24 तारीख को ही खोया है लेकिन मॉर्निंग में यहाँ पे खोया है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे 06 मतलब हमारा सुबह सुबह खोया है तो हम यहाँ पे सुबह यहाँ पे दर्ज कर देंगे। देखिए यहाँ पे 5 बजे मॉर्निंग का 5 बजे यहाँ का टाइम हमने फिलअप कर दिया। उसका देखिए यहाँ पे आपको डेट फिलअप करना होगा, तो यहाँ पे भी डेट है, अब यहाँ पे हम शाम तक का यहाँ पे टाइम यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए हमारा टाइम फिलअप हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए ब्रीफली फैक्ट, यहाँ पे आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था वो यहाँ पे आपको ब्रीफली बताना है। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हमें यहाँ देखिए बाइक से जाते समय मोबाइल पॉकेट से मशीन गिर गया, हम हिंदी में यहाँ पे टाइप कर दिए, आप भी हिंदी में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इंग्लिश में ही करें। ठीक है, अब आपको क्या करना, सिंपल सा यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। उसका देखिए यहाँ पे ना आपको लास्ट ऑप्शन लॉस्ट आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे लॉस्ट आर्टिकल लॉस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर आप किसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, किसके लिए FIR दर्ज करना चाहते हैं, यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। अगर अदर है तो अदर भी यहाँ पे सिलेक्ट करके अदर का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे केस में यहाँ पे मोबाइल होगा, सिंपल सा हम यहाँ देखिए मोबाइल हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, यहाँ पे देखिए आप लोग को IMEI नंबर आप लोग को फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर यहाँ पे आपको फिलअप करना है, जो भी मान लीजिए मोबाइल हमने यहाँ सर्च किया मैन्युफैक्चर किसके सैमसंग था कि रियलमी था क्या था वो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम पूरा फिलअप कर लिए, देखिए EMI नंबर यहाँ फिल कर दिया, ऊपर मोबाइल नंबर फिल कर दिया, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सैमसंग गलेक्सी A12 हम यहाँ पे फिलअप कर दिए। यहाँ पे देखिए आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख सकते हैं कि आपका मोबाइल कब कहाँ कैसे और कितने बजे आपका खोया है, ये चीज़ें यहाँ पर या चोरी हुआ जो भी चीज़ यहाँ पर आप वो सारा चीज़ें डिस्क्रिप्शन लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में बाइक चलाते समय चिन्हट के किसी स्थान पर मेरा मोबाइल पॉकेट मशीन गिर गया। ठीक है, अगर आपको कोई और भी इसमें ऐड करना है, जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में 2 SIM है तो यहाँ पे ऐड मोर आर्टिकल पे आप क्लिक करके उसे भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा हम सेम चीज़ें आप सेम तरीके से आप लोग फिलअप करना है, जैसे कि हम यहाँ पे ऐड मोर आर्टिकल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा आर्टिकल यहाँ पर खुल गया। ठीक है, आर्टिकल लॉस्ट यहाँ पे देखिए आपका एक नंबर 1 यहाँ पे ऐड हो चुका है, तब मल्टीपल करना चाहते हैं सिंपल सा मल्टीपल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि 2 SIM है तो अलग अलग यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करिए, यहाँ पे देखिए IMEI नंबर आपको फिलअप करना है। ये कैसे आपको मिलेगा, आप जब भी आप मोबाइल खरीदे होंगे तो स्लिप पे या तो आपका वो यहाँ पे IMEI नंबर होगा जो रिसिप्ट आपको मिला होगा या जो बॉक्स होगा उस पे भी लिखा रहता है, तो आपको वहाँ से देख लेना आपको। तो उसका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो सेम ऊपर हम बताए हैं कैसे, जैसे सैमसंग गलेक्सी A12 हम फिलअप किए थे वो आपका रियलमी जो भी और Realme 5 Pro, Realme 5 7 जो भी एनी टाइप जो भी मोबाइल वगैरह हो उसका आप मैन्युफैक्चरिंग सारा चीज़ें फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल डिस्क्रिप्शन आप लोग को बता दिए हैं, ये आपको फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा सबमिट पे आपको क्लिक करना है।
अब देखिए जैसे हम सबमिट पे क्लिक किए हैं, यहाँ पे देखिए ओटीपी आपके मोबाइल पर आ गया होगा, जब आप लॉगिन किए होंगे रजिस्टर के समय तभी आ गया होगा, तो ठीक है लॉगिन करते ही आ जाता, तो वो ओटीपी आपके मोबाइल पे गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। जैसे मेरे केस में आ गया है तो देखिए हम यहाँ पे फिलअप कर ले रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा, सिंपल सा कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। अब देखिए आपके सामने अगर इस तरीके का प्रोसेसिंग हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका जो रिपोर्ट है वो दर्ज कर लिया गया है। इसको आपको दोबारा से लॉगिन करेंगे, जब देखिए दोबारा से आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, देखिए व्यू रजिस्टर रिपोर्ट, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसका देखिए आप जितने रिपोर्ट दर्ज किए होंगे सबके सब यहाँ पर शो होंगे, आप जो देखना चाहते हैं सिंपल सा आपको उस पर क्लिक करना। जैसे कि हम इसे देखना चाहते हैं, इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब FIR को, क्योंकि जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहते हैं फोटो कॉपी ये लगा सकते हैं, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर जहाँ पर भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। सिंपल सा हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये FIR यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया था, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग सैमसंग गैलेक्सी A12 हमने दो यहाँ पे दर्ज किया था, दो यहाँ पे आ गया चिन्हट लखनऊ। यहाँ पे देखिए कितने बजे से कितने बजे के बीच में सामान खोया था, दिनांक टाइम सब यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए दिनांक वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ पे नाम वगैरह, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से ना आपको डाउनलोड कर लेना, इस पर क्लिक करके अपना PDF। तो मैंने पूरा प्रोसेस आप लोग को बता दिया कैसे आप लोग को FIR करना है। ये PDF आप लोग डाउनलोड करके रखे रहिए फ्यूचर यूज के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग भी FIR कर लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।